हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिए बनी चुनाव प्रचार समिति की पहली बैठक शिमला के कार्यालय राजीव भवन में अध्यक्ष जीएस बाली की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में अन्य सदस्यों से लोकसभा चुनाव में मुद्दों को लेकर सुझाव लिए गए। समिति के अध्यक्ष जीएस बाली ने कहा कि कांग्रेस धन शक्ति से नहीं जन शक्ति से चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी के सहारे चुनाव फ्रंट फुट पर लड़ने की बात करते हुए बाली ने कहा कि रफेल, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सीबीआई जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ हिमाचल के चारों भाजपा सांसदों की नाकामियों व स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। पहले तो आज हमारे अध्यक्ष जी अभी नियुक्त हुए हैं, कुलदीप राठौर जी और कीरत जी हमारे सेक्रेटरी व महासचिव ऑर्गेनाइजेशन और हमारे सारे साथी मेंबर जो हैं, ये आज पहली मीटिंग जो है इस कमेटी की हो रही है, पब्लिसिटी और जो कम्युनिकेशन कमेटी है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी आज हम पूरी प्लान करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, और उसको सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरकार पिछले एक वर्ष से ज़्यादा चल रही है, हमें लग नहीं रहा कि सरकार प्रदेश में कोई काम कर रही है, तो उसके ऊपर बात करेंगे, स्टेट के मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, जो वादे करके सरकार आई थी उस पर बात करेंगे, जो MPs ने वादे किए थे कि हम ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे और लोगों को उन्होंने जो जुमले ही हुए, चाहे वो मोदी सरकार के थे, चाहे वो बीजेपी पार्टी के थे, चाहे बीजेपी प्रदेश पार्टी के थे, उन सबको एक्सपोज करेंगे। और नेशनल लेवल जो हमारी कमेटी है उसका जो आदेश होगा उसका भी पालन करेंगे। और इस कमेटी की सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहेगा कि समय के ऊपर पब्लिसिटी मटीरियल हो और जो झूठ और असत्य और जो इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया है बीजेपी पार्टी ने, उसको एक्सपोज करें और लोगों तक अपनी पूरी बात को पहुंचाएं। जैसे नेशन इशू हैं जिनमें रफाल का इशू है, जिनमें सीबीआई के दुरुपयोग का इशू है, इनमें और इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने का इशू है, ये सारे इशू जो है, नोटबंदी के इशू है, ये सारे इशू जो है आने वाले समय में आपको इसमें नज़र आएंगे। और बड़ा अग्रेसिव कैंपेन जो है, आल्दो हमारे साधन बड़े सीमित रहेंगे, मगर उसमें भी बड़ा अग्रेसिव, और हमारे जो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बात कही है कि हम जहाँ भी लड़ेंगे हम फ्रंट फुट पे लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और तो उसी एम को लेकर के ये कमेटी काम करती है। आप चिंता ना करें, हमें हमारे साथ जन शक्ति है, अगर उनके पास धन शक्ति है तो जन शक्ति जो है आज कांग्रेस पार्टी के साथ है, और लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और उस बदलाव के प्रक्रिया में पैसे की उतनी जरूरत है।